नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आधार कार्ड में आ चुकी है बिल्कुल सीधी भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड नई भर्ती 2023 के बारे में, जिसका नई भर्ती का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों आधार कार्ड की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है, इस साल 2023 की नई भर्ती है, वो भी बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती है। तो दोस्तों नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीआई की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती, जिसके आवेदन 17 अप्रैल तक चलेंगे। तो दोस्तों 17 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट डेट है। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहां पर दिया गया है, यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको बताएंगे। तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना इसी प्रकार सरकारी भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड भर्ती 2023 के बारे में, जिसका नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बिल्कुल सीधी भर्ती का। दोस्तों आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, 17 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। तो दोस्तों 17 अप्रैल से पहले अप्लाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, इसके बारे में भी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाला है। और सैलरी आपको 37,000 रुपए महीना मिल रही है। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट। ठीक है, तो चलिए आपको डिटेल्स में जानकारी देते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। दोस्तों हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है sarkaritodaynews.com। यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले सरकारी भर्तियों की जानकारी जाती है, तो वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट sarkaritodaynews.com पर, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड की नई भर्ती के बारे में, जो कि इस साल 2023 की नई भर्ती है। दोस्तों ये जो भर्ती निकाली जा रही है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीए की तरफ से है, जो कि आधार कार्ड की भर्ती है। यहां पर जो पद जारी किए गए हैं, अलग अलग पद हैं, रीजनल ऑफिसर के पद हैं, सेक्शन ऑफिसर के हैं, डिप्टी डायरेक्टर के हैं, अकाउंटेंट के हैं, स्टेनोग्राफर के हैं, असिस्टेंट के हैं, काफी सारे पदों पर भर्ती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। आवेदन दोस्तों आप चाहे तो ऑफलाइन या ऑनलाइन करा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, और ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि पूरे भारत से ये वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपको आधार कार्ड के रूल्स के मुताबिक मिलेगी और जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की रहेगी। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री पास के लिए भर्ती है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट पास भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती का है। ठीक है, यहां से दोस्तों आपको क्लिक करना है, आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, यहां पर क्लिक करके आप सीधा नए वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहां पर आपको क्लिक करना होगा डिप्यूटेशन और कॉन्ट्रैक्ट पे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप नए पेज पर आ जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 17 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ वैकेंसी यहां पर है। क्लोजिंग डेट जो है आप देख सकते हैं 17 अप्रैल तक की है। ठीक है, तो यहां पर जो वैकेंसी है वो क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ और भी नई पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिस पर आप क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिए गए हैं, यहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और भर करके सबमिट कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको एड्रेस दिए गए हैं, इन एड्रेस पर आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। बाकी सभी जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।